गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से थर्ड टर्म स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर 10, व्हील चेयर बास्केटबॉल, पहिए वाली कुर्सी बास्केटबॉल। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, विकलांग होते हैं, वो आने जाने के लिए व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। बिफोर वी स्टडी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका ब्रीफ पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव प्लेड बास्केटबॉल विद योर फ्रेंड, तुमने कभी अपने मित्र के साथ बास्केटबॉल खेला होगा। हैव यू एवर प्लेड व्हील चेयर बास्केटबॉल थो, क्या तुमने कभी पहिए वाली कुर्सी पर बास्केटबॉल खेला है। हेयर इज एन इंटरव्यू विद एन अमेजिंग इंग्लिश बॉय डैनियल एजल हु इज फिजिकली चैलेंज। यहाँ पर अद्भुत इंग्लिश बॉय डैनियल एजल का इंटरव्यू लेंगे, जो कि शारीरिक रूप से असक्षम है, बट हु नेवर दी लेस प्ले बास्केटबॉल व्हील चेयर बास्केटबॉल, फिर भी उसने व्हील चेयर पर बास्केटबॉल खेला है। हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन व्हील चेयर बास्केटबॉल, तुम बास्केटबॉल खेलने के लिए इसमें कैसे शामिल हुए। आई was at school once in a physical education lesson. मैं स्कूल में शारीरिक शिक्षा ले रहा था and the sports teacher said, वहाँ खेल के अध्यापक ने कहा, come into the PE office. PE office आओ, PE means physical education. My doctor was there with a friend. मेरे डॉक्टर एक मित्र के साथ थे। एंड दे वर टेलिंग मी, उन्होंने मुझसे कहा, आई शुड बी मोर इंडिपेंडेंट एंड पुश माई सेल्फ मोर, उन्होंने मुझसे कहा मुझे आत्मनिर्भर होना चाहिए और मुझे प्रोत्साहित होना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। सो आई सेड, डू यू नो वेयर आई कुड फाइंड आउट अबाउट बास्केटबॉल, इसलिए मैंने कहा, क्या तुम जानते हो मैं बास्केटबॉल के बारे में कैसे पता लगाऊं। एंड दे टोल्ड मी हु टू गेट इन टच मी, उन्होंने मुझे बताया जो उनके संपर्क में थे। सो आई रिंग देम अप एंड इट वेंट ऑन फ्रॉम दैट।